हेलो दोस्तों, झूठी मुस्कान, झूठा दिखावा कभी ज़्यादा दिन साथ नहीं देती। अगर हम दिल से ये भाव रखते हैं तो लोग बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। कहने का मकसद यही है, असलियत का होना दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दिखावा। तो आज बात करते हैं पहचान की। एक फोटोग्राफर ने दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा था, 20 रुपए में आप जैसे हैं वैसा ही फ़ोटो खिंचवाएं, 50 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसा फ़ोटो खिंचवाएं, 100 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहें वैसा फ़ोटो खिंचवाएं। बाद में उस फोटोग्राफर ने अपने संस्मरण में लिखा, मैंने जीवन भर लोगों के फ़ोटो खींचे लेकिन किसी ने भी 20 रुपए वाला फ़ोटो नहीं खिंचवाया, सभी ने 50 या 100 रुपए वाला ही खिंचवाया। दोस्तों, बस कुछ ऐसी ही हकीकत है ज़िंदगी की। हम हमेशा दिखावे के लिए ही जीते हैं। हमने कभी अपनी वो 20 रुपए वाली ज़िंदगी जी ही नहीं। ये दुनिया भी बड़ी निराली है। जिसकी आँखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आँखों में नींद नहीं, जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके मन में दया का भाव नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को। ये लॉकडाउन हमें काफ़ी कुछ सिखा रहा है। लोग दुनिया को जानने की बात तो करते हैं पर स्वयं को नहीं जानते, जानना ही नहीं चाहते, बल्कि कभी सोचते भी नहीं कि जानेंगे। खुद को जानना दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। जो खुद को नहीं जानता वो भला दूसरों को कैसे जानेगा। दूसरों को जानने के लिए पहले खुद को पहचानना ज़रूरी है। इसलिए कहा है कि जानने की शुरुआत खुद से करें। सोचिए, विचार करिए और खुद को पहचानिए। हेलो दोस्तों, झूठी मुस्कान, झूठा दिखावा।